देखने जा रहे हैं यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके स्वास्ति, कल मैंने बताया था आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कि जिसी को जूल्स इफेक्ट बोलते हैं। ओके और डिराइव भी कराया था, बिल्कुल इसी तरीके से डिराइव कराया था कि हम जानते हैं कि वी इज इक्वल्स टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। सो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू इन टू वी, क्यू की वैल्यू है होती है आई टी, तो ये बन जाता है वी आई टी। याद आ गया? यस सर। चलो पढ़ो। लेट आई करंट, लेट आई करंट फ्लोइंग थ्रू आर रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर इज वी। व्हेन चार्ज क्यू मूव्स अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस वी इन टाइम टी, द अमाउंट ऑफ वर्क इज डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इन टू वी। वी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू वोल्टेज इन टू चार्ज अपॉन टाइम इन टू टाइम विच इज वर्क इज इक्वल टू वी आई टी। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, टी और टी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो बात वही है, क्यू क्यू अपॉन टी आई बन गया। और कल मैंने डायरेक्टली क्यू इक्वल्स टू आई टी यूज कर दिया था, तो वहाँ पे दोनों एक बात ही की है। चलिए पर 10 वर्क डन, 10 वर्क डन बाय बैटरी फॉर मूविंग द चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल्स टू वी आई टी। बैटरी हैज केमिकल एनर्जी ड्यू टू विच इट कैन डू वर्क। As battery does work, its chemical energy decreases, but total energy is always conserved. Chemical energy of battery is converted to heat energy in the resistor. Therefore, heat produced in resistor is equals VIT. This heat of resistor is commonly known as heating effect of electric current. Yes. By using Ohm's law. This heating of resistor is known as commonly known as heating effect of electric current by Ohm's law. H equal to V की जगह आई आर इन टू आई टी, दैट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। क्लियर? दिस इज नोन एज, पढ़िए, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इट स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट गिवन टू द रेजिस्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस और अ गिवन कंडक्टर, and directly proportional to the time for which the current is flowing through the resistor. Okay. यस, तो ये हो गया अपने पास में कि जो अपने पास H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से हमें समझ में आ गया कि द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड बाई द रजिस्टर, द हीट प्रोड्यूस बाई द रजिस्टर इज प्रपोर्शनल टू करेंट का स्क्वायर, H इज प्रपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रजिस्टेंस एंड H इज प्रपोर्शनल टू द टाइम टिल अप टू विच यू फ्लो द करेंट। ओके, टाइम फॉर विच द करेंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द रजिस्टर। यस, चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रैक्टिकल यूज बहुत सारे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर, टोस्ट बनाने के डिवाइस, इलेक्ट्रिक गीजर पानी गर्म करने के लिए, ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर, ओके, इमर्शन रॉड, ऑल दीज। पढ़िए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, पढ़ो बेटा। Practical applications of heating effect for exploiting the heating effect, the element of appliances must have high melting point to retain more heat. The heating effect of electric current is used in the following applications. Yes, पहली चीज देखिए, एक important बात है कि the element of appliances must have the high melting point. मतलब जो आप use कर रहे हैं elements, उसके melting point high होने चाहिए, जिससे कि आप जो है उनको लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें। अगर वो मेल्ट हो जाएंगे तो पिघल जाएगा पूरा का पूरा, करंट फ्लो होना ही बंद हो जाएगी, क्योंकि मेल्ट होकर लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड एक जगह से मर जाएगा तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़िए, इलेक्ट्रिक बल्ब, व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक बल्ब, द फिलामेंट गेट्स हीटेड बिकॉज ऑफ व्हिच इट गेट्स गिव्स लाइट। द हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब हैपेंस बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज जनरली मेड ऑफ tungsten metal having melting points equal to 3380 degree Celsius. So, okay. So, it is here. The melting point of the tungsten metal is 3380 degree Celsius. That is quite high. So, we should take the melting point very high, okay, to use heating effect of electric current. Electric iron. Sir, tungsten ki resistivity bhi toh zyada hoti hai. हाँ, टंगस्टन की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा देगा। ठीक है, पढ़ो बेटा। इलेक्ट्रिक आयरन, व्हेन एन इलेक्ट्रिक आयरन इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन गेट्स हीटेड, व्हिच हीट्स द इलेक्ट्रिक आयरन।
The element of electric iron is made of alloys having a high melting point. Same procedure, high melting point बनाया जाता है. Next, electric fuse. Electric fuse is used to protect the electric appliances from high voltage, if any. Electric fuse is made of metal or alloy of metals such as aluminium, copper, iron, lead, etc. In the case of flow of higher voltage than specified, fuse wire melts and protect the electric appliances. Yes. Next. Fuse of 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, etc. are used for domestic purpose. Suppose if an electric heater consumes 1000 watt at 220 volt. Okay, देखिए 1000 watt इसकी rated power है और 220 volt इसका rated voltage है. मतलब अगर आप इसको 220 वोल्ट का टना टन वोल्टेज देंगे तो ये टना टन पावर 1000 वाट पे चलेगा. तो इसकी रेटेड करंट निकाल लो. कैसे निकाल लोगे बच्चों? मैंने आपको पढ़ाया था कल फार्मूला कि पावर इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू वी इंटू आई. जो पहला फार्मूला था वो था पी इक्वल्स टू वी इंटू आई. तो आई इज इक्वल्स टू पी अपॉन वी कर दो. कितनी वाट पावर है? 1000 वाट का इंस्ट्रूमेंट है और वोल्टेज कितना लेता है? 220 वोल्ट पे 1000. तो इसको सॉल्व कर दीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल, मतलब 100/22. ओके, तो इसको सॉल्व कर दोगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी. वो करंट होगी इसकी रेटेड करंट, मतलब मैक्सिमम करंट इतनी झेल सकता है, दैट इज इक्वल टू 4.5 एम्पियर. ओके, मतलब ये 4.5 एम्पियर के आसपास की करंट जो है ये इंस्ट्रूमेंट झेल सकता है, 4.5 एम्पियर. अगर आपने ये इलेक्ट्रिक आयरन है और इसकी रेटेड करंट 4.5 एम्पियर है, आपने इसमें यदि 9 एम्पियर की करंट दे दी तो ये क्या हो जाएगा? ये खराब हो जाएगा. ओके, ये बिल्कुल ऑपरेट नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा. तो आपको यहाँ पर बचाव के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगाना पड़ेगा जो कि आपको लगभग 4.5 एम्पियर में करंट फ्लो करे. तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लगभग 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगा सकते हैं. ओके, क्योंकि 5 एम्पियर में ये वायर्स जो हैं ये मेल्ट नहीं होंगे. 5 एम्पियर में अगर यदि 9 एम्पियर की करंट गलती से आ जाती है एक्सीडेंटली, तो ये फ्यूज के अंदर का जो वायर होगा वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा. और कनेक्शन ब्रेक होने से आपका जो प्रेस है वो सेव रहेगा. पढ़ो. देन इन द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इक्वल्स टू, नहीं बेटा आपका नेटवर्क एकदम से स्लो. सर आपकी आवाज लैग हो रही है. मेरी आवाज लैग हो रही है? एक मिनट बच्चों, आप लोग एक बार फिर से लेफ्ट होकर के जुड़ जाइए. जुड़ गए आप लोग? जुड़ गए? हेलो बच्चों, आप ठीक है? यस. नो सर. अभी भी ठीक नहीं है ना सर? अच्छा अच्छा अच्छा, प्रॉब्लम आ रही है आज. एक सेकंड रुकिए. देखिए जो आपने, सर मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहा है पीडीएफ में, तो मैं फोटो भेज दूँ? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. फोटो देखिए बेटा, जो आपने क्वेश्चन भेजा है, आपने कहा है कि दो कंडक्टिंग, क्लियर, दो कंडक्टिंग वायर है जिसके जिसकी लेंथ सेम और उनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है. बोलो यस और नो.